नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल जो भारत में भारत की नेशनल गेम हॉकी से भी ज्यादा प्रचलित है। हर मोहल्ले हर नुक्कड़ पर आपको बच्चे क्रिकेट खेलते मिल जाएंगे। बच्चे क्या, आजकल की जो बेरोजगार युवा पीढ़ी है वो भी आपको सड़कों पे क्रिकेट खेलती मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर इस क्रिकेट का थोड़ा बुरा हाल हुआ है कुछ समय में, राज भाई अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं आज पे। शांतनु भाई आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिकेट का बुरा ही हाल है। आज के मैच को देख लो, ऑस्ट्रेलिया ने ना 100 प्लस का टारगेट दिया, उसको अचीव करने में इंडियन टीम हाफ गई है। राज भाई इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ना लेटेस्ट स्टिंग ऑपरेशन से पता लग जाता है। इसका रीजन ना, पहला तो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था हमारे चीफ सेलेक्टर साहब का, उससे पता लग जाता है कि टीम के क्या हालात हैं। अगर बहुत से लोगों को नहीं पता तो राज भाई चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल राज भाई, बिल्कुल बिल्कुल शांतनु भाई। और आज का मैच देख लो आप, 100 प्लस का टारगेट इंडियन टीम अचीव करने में ना हाफ गई है। इसका कारण? इसका मेन कारण शांतनु भाई, मैं हमेशा से कहता आया हूं, देश में ना हजारों नहीं लाखों के तादाद में प्लेयर है और टैलेंट से भरा हुआ हमारा देश है, लेकिन जो क्रिकेट पॉलिटिक्स का शिकार हो गया है ना, उसकी बदौलत हमारे टीम की हालत ये है। तो आपके हिसाब से राजनेताओं ने क्रिकेट का भट्टा बिठा दिया है? क्रिकेट का ही नहीं, जिस जिस खेल में राजनीति घुसी है उसका बंटाधार हो गया है देश में। आने वाले समय में अगर क्रिकेट से राजनीति नहीं हटी तो इसका भी बंटाधार होते देर नहीं लगेगा। शांतनु भाई मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूं, अगर आप स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर आपका सिफारिश नहीं है तो टीम में जगह नहीं बनती है, ये बात कोई नहीं कहेगा। साफ कहूं ना तो टैलेंट के बेस पे सिर्फ 2-4% लोगों को टीम में मौका मिलता है। अगर देखा जाए तो कम से कम 50% से ऊपर लोग जो टैलेंट के बेस पे टीम में जगह बना सकते थे उनको मौका नहीं मिलता है। देश को कई सचिन मिल जाते लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। तो राज भाई आपको क्या लगता है कि 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में हमारे पास 60-70 प्लेयर ही रहे हैं? बात बिल्कुल सही कही यार। अब तो देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ही कम से कम क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हो गए हैं। बिल्कुल है ना, तो मैं हमेशा से ही इस चीज के हक में रहा हूं कि कम से कम अगर 3 फॉर्मेट हो गए हैं ना, 3 स्पेशलिस्ट टीमें बना दो यार, कितने लड़कों को मौका मिलेगा। जो T20 खेलता है उसको वनडे खिला लेते हैं, वनडे खेलता है उसको टेस्ट खिला लेते हैं, तभी तो टेस्ट में देख लो इनके रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो T20 खेलता है 1-2 रन पे आउट होते हैं फिर भी उनको स्टेपनी की तरह ढोई जाते हैं। तो ऐसे ये क्या चैंपियन बनेंगे? बिल्कुल, अगर क्रिकेट में राज भाई देखें तो टेस्ट मैच ही मैंने सुना है एक प्लेयर का असली टेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टेस्ट प्लेयर में देखा जाता है कि प्लेयर की क्या क्वालिटी है, T20 में क्वालिटी नहीं देखी जाती। वहां पे टेक्निक नाम की चीज नहीं है, किसी भी अच्छे प्लेयर से पूछ लेना, अच्छे प्लेयर तो T20 खेल ही नहीं पाते हैं जिनकी टेक्निक स्ट्रांग होती है। आप देख सकते हो एग्जांपल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस मामले में, पर देश के कई नामी क्रिकेटर T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो T20 में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको वनडे भी खिला लेते हैं, टेस्ट भी खिला लेते हैं, बाद में क्या हाल रहता है, पत्रकार उनकी बुराई कर रहे होते हैं, वर्कलोड का बहाना आ जाता है। तो भाई अगर वर्कलोड इतना ज्यादा है ना तो स्पेशलिस्ट टीमें बनाओ, हर प्लेयर अपने काम के लिए परफेक्ट रहेगा और हमें मनमाफिक रिजल्ट भी मिलेगा। ये सीरीज जीत के भी ना अगर एक टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए चले जाते हैं फिर भी इनके प्लेयर थके ही रहेंगे, और थकते क्यों है चेतन शर्मा जी ने बता ही दिया है। ठीक है, अगर ऐसा रहा ना तो कोई भी ICC टूर्नामेंट ये लोग नहीं जीत सकते शांतनु भाई, मैं कह रहा हूं, और क्रिकेट का बंटाधार होते देर नहीं लगेगी क्योंकि राजनीति रग रग में बसी हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेके टीम में खेलने तक, कोच से लेके कप्तान तक। बिल्कुल राज भाई, अगर राजनेताओं ने अपनी राजनीति का सही इस्तेमाल किया होता तो देश में कई ओलंपिक मेडल हमें मिल जाते। बिल्कुल बिल्कुल शांतनु भाई, जैसे ओलंपिक की बात करी, राजनीति का इस्तेमाल राजनेता सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, अगर देश के फायदे के लिए किया होता आज की डेट में ना बहुत सारे मेडल्स हमारे झोली में होते। और देखते हैं क्रिकेट कितना लंबा चलेगा भ्रष्टाचार के साथ। धन्यवाद।